हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक जेई विथ अस माय डियर। इट्स अबाउट मी। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कंप्लीट किया है। ऑल ओवर इंडिया जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन +6 ईयर्स का टीचिंग का मुझे एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। इससे आप इसे कनेक्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों कनेक्ट होना चाहिए अनअकैडमी के साथ? तो माय डियर, सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली अच्छी बात है कि हमारी डेली लाइव क्लास चलती हैं। ये क्या है, हम अपने स्टूडेंट के साथ लाइव क्लास में एंगेज करते हैं उनको। आपके कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक होके। हम आपके साथ आंसर्स में पोलिंग करवाते हैं। हम देखते हैं कि कितने बच्चों के सवाल रॉन्ग हुए, कितने बच्चों के सवाल सही हुए। ठीक। नेक्स्ट इज माई डियर लाइव टेस्ट और क्विज़। माई डियर, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अपना एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप अपना परफॉर्मेंस, अपने आप का एनालिसिस तभी कर सकते हो जब आप टेस्ट को दोगे। तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज करवाते हैं, जिससे आपको अपने बारे में पता चलता है कि आपको कितने और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज माई डियर, हमारा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान का मतलब क्या है कि हमारा एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में है। इट मींस आपकी एक फिक्स टाइमिंग होती है क्लासेस की, कौन सी क्लासेस कब होनी है, कौन सा टीचर क्लास लेगा, किस क्लासेस में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या शेड्यूल है। ऐसा करने से होगा ये कि आप हमारे साथ कंटिन्यूस कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माई डियर अनलिमिटेड एक्सेस। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है यार। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है? नॉर्मली माई डियर, जब आप कोचिंग्स में होते हो तो ये ऑब्जर्व करते हो कि आप जाते हो, कॉपी उठाते हो और पढ़ पढ़ के चले आते हो। लेकिन अगर आपको दोबारा कहीं कभी पढ़ने का मौका मिले, कभी मन करे नहीं यार ये टॉपिक दोबारा समझना है, तो कहाँ जाओगे? या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, आज तुम्हारी कोचिंग में जाने का मन नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो तुम्हारा मिस हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है, हमारे अनलिमिटेड एक्सेस की ऐसी खासियत है कि आप जब चाहे, जैसे कंफर्ट जोन में चाहें, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारी क्लासेस को रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, इनकेस अगर आपसे क्लास छूट जाती है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमसे लाइव कनेक्ट हो। ये लाइव का एक अलग फीलिंग आता है यार। माई डियर, बहुत ही इकोनॉमिकल फी में हम आपसे कनेक्ट होते हैं। आप देख सकते हो कि इस टाइम भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी फीस जो है 1.25 लाख और 1.5 लाख के करीब रखते हैं साल भर की फीस। वहीं साल भर की फीस हम आपसे ओनली एंड ओनली 30,000 मांगते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ DHIREN, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। दैट मीन्स हम लोग इस कोर्स को ओनली एंड ओनली 27,000 में करवाते हैं। इससे इकोनॉमिकल शायद यार पूरी पूरी इंडस्ट्री में नहीं होगा, ठीक है? और यार अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें और पढ़ना है और तुम 2 साल के स्टूडेंट हो, तो मेरी मानो तो 12 मंथ की जगह आप 24 मंथ वाले प्लान को एडॉप्ट करो। इसके पीछे रीज़न क्या है, आप देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा 5,000 पे करना है, और 5,000 पे करने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो 12 महीना और ऐड हो जाएगा बहुत ही इकोनॉमिकल अमाउंट में। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा फाइनेंशियल है, आप हमको EMI बेस भी दे सकते हैं। हमारी EMI 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ EMI बेस चलता है। बहुत ही कम और इकोनॉमिकल वे में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे कोड को याद रखिएगा, मेरा कोड है धीरेन, ठीक है? आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री को फील लेना। फील क्या है, मुझे मेरा मानना है कि यार सब्जेक्ट ना एक फीलिंग वाली चीज़ है। आप जब भी किसी को पढ़ते हो तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ यार वो मज़ा आ गया। मेरा मोटिव आपके साथ हमेशा यही रहता है कि आपको एक अंदर से फील दिलाऊं कि हाँ यार एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को रटा नहीं जाता, केमिस्ट्री को फील लिया जाता है, ठीक है? माई डियर, अगेन वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज।
इसके पीछे मेरा मोटिव ये है कि एग्जाम्स में सारे टॉपिक्स को ना कवर करके हर एक चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूं। ये सीरीज़ मैंने पिछले 2-3 दिन से शुरू की है। पिछले सीरीज़ में मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक्स को कवर किया था, उनमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे कि हाँ यार इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने उस टॉपिक को उठाया। नेक्स्ट, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ का नाम है द सीरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ थोड़ी बड़ी होगी। केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस आपको मैंने कहा कि मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ है, तो मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, सबसे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आज इस सीरीज़ का पहला दिन है, इस सीरीज़ का नाम है पार्ट फर्स्ट। तो फटाफट दिल थाम के बैठ जाइए और अपन लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने शुरुआत किया, इस टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बड़े ही शिद्दत से पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ के। आपको लगेगा कि हाँ यार एक्चुअली इन जो इन बाबाओं हैं, इन्होंने क्या क्या हमें थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं किन किन बाबाओं की ये देन है। मैं इन सभी को बाबा बुलाता हूँ, इन्हीं सभी की कृपा है हमारी साइंस पे, हमारी केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो कौन कौन से बाबा हैं जिन्होंने इस थ्योरी को ईजाद किया था? तो हमारे जो पहले बाबा थे वो हिटलर थे। हिटलर एंड लंदन ने इसको स्टार्टिंग में अपना बारे में बताया था कि ये थ्योरी कैसे काम करती है, लेकिन आगे चल के इसको अगर एग्जिट करने की बात करें तो बाबा पॉलिंग एंड स्लेटर ने इस थ्योरी को कंटिन्यू किया था। इन चार बाबाओं की कृपा है इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, किस थ्योरी पे बेस्ड है और क्या क्या कंसेप्ट है? मैं थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतनी नॉलेज है कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो पता ही है ना, थोड़ी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है वो हमारी क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसने जो कंसेप्ट दिया है वो हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का दिया है। तो याद रखिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो असल में ओवरलैपिंग के लिए आया है। किसके लिए आया है यार? ओवरलैपिंग के लिए आया, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल यार, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाले? तो वो ऑर्बिटल जो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकें। कौन सा बॉन्ड बना सकें यार? कोवेलेंट बॉन्ड बना सकें। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो ओवरलैपिंग होती है उसके लिए जो थ्योरी दी गई, उस थ्योरी का नाम हमने रखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब ओवरलैपिंग क्या होती है? तो आपको पता है यार, एक दूसरे पे मर्ज हो जाना ही ओवरलैपिंग कहलाती है। एक नॉर्मल भाषा में ओवरलैपिंग का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे पे चढ़ जाना, एक दूसरे पे मर्ज हो जाना। ठीक है, ओके माय डियर, ओवरलैपिंग को समझने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको ऑर्बिटल्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जैसे एस ऑर्बिटल्स क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है और एफ ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपने ऑर्बिटल्स के बारे में जाना होगा कि एस ऑर्बिटल की शेप हमारी स्फेरिकल शेप होती है, पी ऑर्बिटल की हमारी शेप डम्बल शेप होती है, डी ऑर्बिटल की शेप हमारी डबल डम्बल शेप होती है और एफ ऑर्बिटल की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, और इसलिए इसका नाम दिया जाता है फंडामेंटल शेप। फंडामेंटल शेप, मेंटल शेप। ठीक है, ये शेप्स के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यार थोड़ा सा ये इमेजिनरी बेस्ड टॉपिक है, इसलिए आपको मैं इमेजिनेशन कराऊंगा कि कैसे ओवरलैपिंग करना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक मैंने बेसिक सा बता रखा है कि कैसे कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देख सकते हो यार, ये मेरा एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप हमारी क्या है, स्फेरिकल शेप है यार। कैसी शेप है यार, यहां लिख देता हूं, ये शेप मेरी कैसी है, स्फेरिकल शेप है। जबकि ये मेरा पी ऑर्बिटल है, पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, आप सभी को पता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, अब ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड में यहाँ पे इन्होंने ये -1, 0 और +1 क्या दे रखा है? तो याद करो, अपन लोग ने क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, उसमें अपन लोग ने अजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए होगे, एम एल इज इक्वल टू -L2+L। ठीक है, और शायद आपको ये पता होगा कि पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है यार, एक होती है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है यार, एक होती है। तो जब आप इसको एक पुट करोगे तो तीन वैल्यू आएंगी, -1, 0 और +1। ठीक है, तो ये आप एक बार थोड़ा देख लीजिए कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी जो शेप होती है यार वो हमारी डम्बल शेप की होती है। ठीक, ओके, हाँ, एक बात अगर मैं आपको बता दूं तो
इन सब ऑर्बिटल्स हमारे जो है, ये सारे ऑर्बिटल्स हमारे एक्सिस में होते हैं। अब एक्सिस का क्या मतलब है, पहले ये भी देख लो यार, ये भी देख लो कि यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास पी एक्स ऑर्बिटल है, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल जो होंगे ये आपके एक्सिस के अंदर होंगे, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में है। इसी तरह जब मैं पी वाई बोलता हूँ तो ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अंदर ही होंगे, एक्सिस से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और सेम एज पी जेड के साथ भी यही है, अगर मान लो ये मेरा जेड एक्सिस है तो ये इस एक्सिस के अंदर रहेंगे। इसलिए ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे एक्सियल होते हैं, ठीक है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड हमारे क्या होते हैं, तीनों एक्सियल होते हैं, ठीक है। अब एक बात देख लीजिए यार, अगर मैंने कहा कि यार हाँ यार ये मेरा थोड़ी देर के लिए मेरा पी एक्स ऑर्बिटल है और ये मेरा पी वाई है, और लेट सपोज करिए ये मेरा पी वाई है, ये मान लीजिए मेरा पी जेड है, और ये मान लीजिए मेरा पी एक्स है, तीन ऑर्बिटल्स हैं। तो जिस ऑर्बिटल में जो हमारा एक्सिस है उसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी उसके परपेंडिकुलर प्लेन हमारे हमेशा खाली रहते हैं, और उसी परपेंडिकुलर प्लेन को हम लोग क्या बुलाते हैं, नोडल प्लेन बुलाते हैं। जैसे यार अगर आपकी बात कर रहे हो तो ये मेरा ये तीन एक्सिस है भाई, एक मेरा एक्स एक्सिस है, एक मेरा वाई एक्सिस है, और एक मेरा जेड एक्सिस है। इन तीन ये तीनों एक्सिस जो देख रहे हो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर आप मान लो कि इस एक्सिस में ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में एक्सिस में है, तो ये और ये ऑर्बिटल हमारा खाली पड़ा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और जो भी ऑर्बिटल हमारा खाली होता है, तो आपने कभी केमिस्ट्री में नाम सुना होगा नोड का या नोडल प्लेन का। नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी जीरो होती है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास पी एक्स में ऑर्बिटल है तो कहाँ कहाँ नहीं होगा, पहले तो ये नॉलेज रखो, पी वाई और पी जेड में ऑर्बिटल नहीं होगा। मतलब पी एक्स के लिए पी वाई और पी जेड क्या हो गए, नोडल प्लेन का काम कर गए। सेम एज अगर मैं पी जेड की बात करता हूँ यार, तो पी जेड वाले के लिए एक्स और वाई जो है वो हमारे क्या काम करेंगे, नोडल का काम करेंगे। उसी तरह सेम एज अगर मैं पी वाई की बात कर रहा हूँ, तो पी वाई वाला में अगर ऑर्बिटल है तो कौन कौन सा ऑर्बिटल एक्सिस में होगा, मतलब ऑर्बिटल नोडल प्लेन में होगा, आप बता दो, तो क्या क्या होगा, एक हमारा पी एक्स होगा और दूसरा हमारा पी जेड होगा, ठीक है। ये सारे ऑर्बिटल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट है ये हमारा डी ऑर्बिटल। आपको पता है डी के पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डी के पांच ऑर्बिटल्स मैंने बना रखे हैं, ये आपका डबल डंबल की शेप क्रिएट करते हैं, डबल डंबल की शेप क्रिएट करते हैं। अभी मैं थोड़ा डी ऑर्बिटल में अभी डेप्थ में जा रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर दिखाता हूँ अभी, अंदर जाता हूँ अभी, ठीक है। और ये हमारा सबसे अच्छा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट इज़ नोन एज यार एफ ऑर्बिटल्स। ये एफ के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एफ के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सात ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के हमारे पाँच ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के हमारे तीन ऑर्बिटल होते हैं, और एस अपने आप में एक ऑर्बिटल है, ठीक है। इस डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं डी ऑर्बिटल की डेप्थ में, किसकी डेप्थ में, डी ऑर्बिटल्स की डेप्थ में। अब ये कैसी डेप्थ है, क्या है डी ऑर्बिटल, तो मैं आपको आज एक बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा, और लोगों को ये बात बहुत कम पता होती है, बट उसको बताने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं कि भाई डी के हमारे पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे डी एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, वाई जेड हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और डी जेड स्क्वायर हो गया। ये पांच तरह के डी के ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जिस ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है। तो आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो यार कि यहाँ पे अगर एक्स और जेड में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये जो वाई है, ये जो वाई प्लेन देख रहे हो, ये वाई प्लेन इसका कैसा प्लेन हो जाएगा यार, नोडल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डी एक्स वाई की बात करता हूँ, तो मान लेना बेटा ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, तो इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये कौन सा है, z एक्सिस है, और इस परपेंडिकुलर प्लेन को अपन लोग क्या नाम दे देंगे यार, नोडल प्लेन नाम दे देंगे। सेम एज अगर ये तुम्हारा d yz है, यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, तो इनका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो हमारा कौन सा होगा, z एक्सिस का प्लेन होगा। तो इन प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये आपके, सॉरी यहाँ पे y और z है, ये आपका y पे है और z पे है, तो इसका जो x एक्सिस का प्लेन देख रहे हो, ये प्लेन जो आप देख रहे हो, ये प्लेन x एक्सिस वाला, तो ये प्लेन आपका क्या है, नोडल प्लेन में आ जाएगा, ठीक। उसी तरह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ऑर्बिटल होंगे, तो ये जो z एक्सिस में आप देख रहे हो, ये आपका z एक्सिस क्या है, ये आपका कुछ z एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। इधर ये वाला एक्सिस आपका x एक्सिस है, ये वाला आपका y एक्सिस है,
ठीक है, तो ये एक तरफ x गया है, एक तरफ y गया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर आया वो हमारा क्या आया, z एक्सिस आया, और z एक्सिस ऐसा है जो कि हमारा नोडल में आता है। जबकि सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन दैट इज dz स्क्वायर, ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जो नोडल फ्री जोन है। क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यार, नोडल फ्री जोन, इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। मतलब अगर मैं मैक्सिमम डेंसिटी वाले ऑर्बिटल की बात करूँ तो मैक्सिमम डेंसिटी किस ऑर्बिटल को मिलती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो है dz स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा dz स्क्वायर में है क्या जो आप इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, तो आइए समझते हैं। पहले तो मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, बात थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है। मुझ जैसा बंदा बोलता है डी के 5 ऑर्बिटल्स नहीं होते, डी के 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? अब बोलोगे पगलवा गया ये बंदा, दुनिया 5 पढ़ा पढ़ा के मर गई और ये भाई साहब आए हैं और पढ़ा रहे हैं डी के 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। असल में 6 में से 2 को क्लब किया जाता है तब जाके वो 5 बनते हैं। क्या बोला मैंने? 6 में से 2 को क्लब करते हैं और तब जाके वो 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। 6 में से आप 2 को क्लब करते हो तब जाके आपके 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। अभी कैसे क्लब होता है तो आओ समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज है यार। देखो देखो, आपको ये 3 ऑर्बिटल्स पता हैं। पहले तो जैसे मैं बता देता हूं, ये आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आप लिखते हो डी जेड स्क्वायर। मैं लेकिन डी जेड स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और लिख रहा हूं डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब एक गजब हो जाएगा। अब देखो यार, अगर मैं पहले तो इन तीनों की बात कर लूं, तो ये अगर मैं बोलता हूं डी एक्स वाई, तो ये बात आप सबको पता है थोड़ी देर के लिए, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो भाई साहब आपको इलेक्ट्रॉन ना तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा ना तो आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा। आपको इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की जो टेंडेंसी है वो इनके बीच में होगी, ये कुछ ऐसी, देख सकते हो, सेम एज, एकदम सेम है, एकदम वाई जेड के लिए भी एकदम वही सेम है कि अगर मैं बोलता हूं यार ये मेरा वाई है और थोड़ी देर के लिए ये मेरा जेड है, तो आप देख सकते हो ना आपको वाई पे मिलेगा ना आपको जेड पे मिलेगा, ये कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक, सेम एज यही चीज अगर आप एक्स जेड की बात करते हो, तो ये अगर मान लो आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है बच्चे, तो इनके बीच में आपको ऑर्बिटल्स मिलेगा, ना तो आपको एक्स पे मिलेगा ना तो आपको जेड पे मिलेगा। पीछे अभी मैंने बताया कि एक्स और वाई के लिए जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो कौन सा होगा, जेड, तो यहाँ पे आपको नोड मिल सकता है, ठीक है, और वाई जेड के लिए आपका परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, एक्स, और एक्स जेड के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वाई। एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन तीनों केसेस में, ये जो तीन हमारे केस दिख रहे हैं बच्चा, इन तीनों केस में आपको ऑर्बिटल इस एक्सिस पे नहीं मिल रहा है, ये आपके एक्सिस के बीच में मिल रहे हैं। भाई अगर आपका ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच में आप पा रहे हो ऑर्बिटल्स को, ये इनके बीच में, ठीक है, तो ये अगर आपका वाई एक्सिस है और ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, इनके बीच में है, तो चूंकि ये एक्सिस पे नहीं है इसलिए इन तीन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बुलाते हैं यार? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो याद रखना है, कुछ लैंग्वेज है केमिस्ट्री का, तो जब भी मैं बोलूंगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, तो आप समझ जाना कि यार कौन कौन से बंदा बात कर रहा है, डी एक्स वाई के लिए बात कर रहा है, डी वाई जेड के लिए बात कर रहा है, और डी एक्स जेड के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले इसके इन तीनों की, दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। ये सब आप लोग देख चुके हो अपने लाइफ में कभी ना कभी, ए मान लिया, ये मैंने बना दिया कुछ ऐसा, ध्यान देना। अगर मान लेना यार ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये मेरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। उसी तरह अगर मैं बनाता हूँ डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए ये अगर मेरा जेड एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो आप यहां पे ऑर्बिटल पाते हो ए इस पे, ठीक। जबकि अगर आप डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की बात करते हो, तो ये भाई साहब कुछ ऐसे हैं, थोड़ी देर के लिए ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये कुछ ऐसे होते हैं। अब आप बोलोगे बंदे ने 6 ऑर्बिटल पढ़ा दिए, तो आओ एक बात दिखाते हैं।
माय डियर, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम नया राज खोल रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि शायद तुमको मेरी फोटो की वजह से ना दिखे, यहाँ बना देता हूँ यार, यहाँ बना देता हूँ। इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, फिर बात करते हैं। ये मेरा क्या है, जेड है, और ये मेरा क्या है, वाई है। ये है मेरा डी, एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखना देखना माई डियर, माई डियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, और ये बात आपके लिए एकदम नई नई है, एकदम नई नई है। आप देख लो यार, इन दोनों ऑर्बिटल्स में, इन दोनों ऑर्बिटल में जो कॉमन ऑर्बिटल है वो कौन सा है, जेड एक्सिस है। मतलब इन दोनों को उठा के जब तुम क्लब करते हो तो ये फूल के मोटू सा हो जाता है। भाई ये कितने ऑर्बिटल का लोप है, तो चार लोप का है। ये भी भाई साहब कितने लोप का है, तो भाई साहब चार लोप का है। लेकिन इन भाई साहब की बात करें तो ये हमारे एट लोप के हैं, और ये कुछ ऐसे मोटू फूल के हो जाते हैं। आप देखते हो ऐसी रिंग बीच में बनती है, इसमें क्या बनती है, रिंग बनती है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, एट लोब है। कितना है, एट लोब है, और इसी को आप बोलते हो डी जेड स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि डी जेड स्क्वायर के अंदर दो होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं, एक आपका डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और दूसरा होता है डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अगर आप बोलते हो डी के पांच ऑर्बिटल्स हैं, तो असल में वो होते तो छह हैं, लेकिन छह में से वो जो दो हैं वो क्लब करते हैं, और वो दो कौन से हैं, तो हमारे हैं वो डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इन दोनों को आप उठा के क्लब करोगे तो ये फूल के मोटू हो जाएंगे। एक डायग्राम और देख लो, एक बार देख लो, और एक बार देख लो। और मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि ये कुछ ऐसा है, ये मेरा जेड है और ये मेरा एक्स है। इसी तरह ये भी मेरा जेड है और ये मेरा वाई है। इनको आप मोटू कर दो फूल आके, देखो ये इनको उठा के कंबाइन कर दो, क्लब कर दो। क्लब करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, ये थोड़ा मोटा मोटा होता है, और यहाँ पे एक रिंगा रिंगी आपको दिखाई देने लगती है। ये रिंग बताती है कि इसके अंदर तीन प्लेन है, पता है, इसके अंदर एक्स एक्स में भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको इसमें आपको वाई में मिल रहा है, और इसी में आपको जेड में भी मिल रहा है। मतलब ये एक ऐसा है जो एट लोब का है, पहली बात। और इसमें एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिलता हो, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा नोडल फ्री जोन में आता है। किस में आता है बच्चे मेरे, नोडल फ्री जोन में आता है। तो दिस इज आवर डी जेड स्क्वायर। तो बहुत ही बेहतरीन बात मैंने बता दी कि असल में डी के पांच नहीं, डी के छह ऑर्बिटल्स होते हैं। इन छह में से ये दो भाई साहब क्लब करते हैं। अब आप जान चुके हैं कौन से दो क्लब कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब लेकिन जितनी जल्दी मैंने आपको बताया, आप कोशिश करो उतनी जल्दी याद करने के बाद भूल जाओ। तुम बोलोगे क्या चाह क्या रहे हो जिंदगी से, कभी बोल लो छह याद रखो, कभी बोल लो पांच याद रखो। तो असल में भाई मेरे होते तो एट द एंड पांच ही है ना, लेकिन अगर आप इसको एक्सिस के फॉर्म में देख रहे हो तो आपको छह दिखाई दे रहे हैं। होते तो पांच हैं, आपको एक्सिस फॉर्म में छह हैं, लेकिन ये जो छह हैं ये दो में क्लब होके आपके दिमाग में पढ़ाया जाता है, देखो पांच है। कभी मन में फीलिंग नहीं आई सर यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ वाई जेड और यहाँ एक्स जेड, ये ठीक दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बीच में जेड स्क्वायर कहाँ से आ गया? अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी हो सकता है, और उस हिसाब से एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये कौन खा गया, कहाँ चले गए? तो यही दोनों ऑर्बिटल जाके कंबाइन कर गया और डी जेड स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसलिए मेरी बात याद रखेंगे, डी के पांच नहीं, डी के छह होते हैं। बट हाँ, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो तुम पांच रखोगे यार, ऐसा नहीं कि फिर बंदे ने छह बताया तो छह, एट द एंड आप दो क्लब कर रहे हो, ठीक है। तो एट द एंड आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि छह होते हैं, बट अपनी नॉलेज है ये छह होने के लिए, बट हमको यूज कितने करने हैं, पांच करने हैं, क्योंकि एक भाई साहब आके क्लब हो जाने वाला है, ये हमारा क्लब हो जाने वाला है, ओके। अच्छा, ये जब देख सकते हो ये एक्सिस पे है, इसलिए इसको हम एक और नाम दे सकते हैं कि ये हमारा एक्सियल है। क्या नाम दे सकते हैं, हमारा एक्सियल है, ठीक है। ये सब बातें थोड़ी सी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने पढ़ाई, सो दैट आप वीबीटी के टाइम मेरे साथ एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सको कि यार वीबीटी को कैसे फील लिया जाता है, कैसे और ऑर्बिटल्स को पास पास लाया जाता है, और कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। ठीक, बढ़े आगे। तो अल्टीमेटली हमने ये बात सीखी कि टोटल मिला के यार डी के जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के पांच ऑर्बिटल्स में से, पांच ऑर्बिटल्स में से तीन हमारे नॉन एक्सियल होते हैं, ठीक है,
और दो भाई साहब हमारे क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं, ठीक है। दो कौन से, तो एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। आगे चल के मैं बात जरूर करूंगा कि ज्यादा अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग की आती है तो डी जेड स्क्वायर की ओवरलैपिंग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ज्यादा अच्छी होती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो देखो खुद ही लॉजिक सोचो यार, कि यहां पे डी जेड स्क्वायर है, यहां पे नोड है ही नहीं, एट लोब सिस्टम है, ये हमारा फोर लोब सिस्टम है, तो एट लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो इससे ओवरलैपिंग इफेक्टिव आएगी। क्या बोला मैंने, इससे ओवरलैपिंग क्या आएगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग आएगी। इसलिए अगर ओवरलैपिंग कंसेप्ट से बात करें तो डी जेड स्क्वायर की ओवरलैपिंग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे इनको समझा जाता है, ठीक है। शुरू करते हैं, तो अभी तक मैंने बस आपको बेसिक सी नॉलेज दी कि कितने तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, किन ऑर्बिटल्स में परपेंडिकुलर प्लेन कहाँ देखा जाता है, इसकी इमेजिनेशन रखना है। मैं पहले बोल रहा हूँ विबिटी, अभी जब शुरू करूंगा, जब आपको मैं और ओवरलैपिंग दिखाऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परपेंडिकुलर प्लेन जो खाली प्लेन है उसकी बैठ के ओवरलैपिंग कराने चल दिए, ऐसा मत करना। दिमाग में रखना जिस ऑर्बिटल में, जिस एक्सिस में ऑर्बिटल होगा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे नोडल प्लेन होंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही भाई साहब बचा बचा हुआ होता है, जो कि हमारा डी जेड स्क्वायर होता है, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी कहानी को, ये थोड़ा मैंने गजब बता दिया है, ओके। अब देखो यार, अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो ओवरलैपिंग को केमिस्ट्री में दो पार्ट पे बांटा गया है, एक हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग है और एक हमारी कोलेटरल ओवरलैपिंग है। आप इसको नाम सुना होगा कभी, तो इसको हम लोग सिग्मा ओवरलैपिंग भी बुलाते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग बुलाते हैं, और इसको अपन लोग पाई ओवरलैपिंग भी बुलाते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग बुलाते हैं। अच्छा, इसको कुछ बुक सिग्मा के साथ हेड ऑन बुलाते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग बुलाते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, सब छोटे छोटे नाम है, हेड ऑन में पढ़ाता हूं, माथे से माथा भिड़ाओ, इसको बोलते हैं हेड ऑन, ठीक है। या कुछ बुक्स इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग बुलाती हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसके इतने सारे नाम होते हैं। जबकि कोलेटरल में आपका कोलेटरल बोलो या पाई ओवरलैपिंग बोलो, ठीक है, पाई ओवरलैपिंग बोलो, या इसको आप एक और नाम देते हो साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग नाम देते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, क्या हमारी कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, और इनमें बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले शुरू करना कोएक्सियल ओवरलैपिंग। पहले को का मतलब क्या होता है, आपस में मिक्स होना। एक्सियल मतलब एक्सिस के थ्रू मिक्स होना, एक पर्टिकुलर एक्सिस से जब हम लोग मिक्सिंग होती है तो हमारी क्या आती है, को एक्सियल ओवरलैपिंग आती है। उसके अंदर सबसे पहला ओवरलैपिंग आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। अब एस एस ओवरलैपिंग के अंदर भी थोड़ा सा गंदा डायग्राम बना लेता हूँ, ये इसको ले लेता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ये मेरा एस ऑर्बिटल है, और ये जब दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो ये देखो माथे से माथा भिड़ा रहे हैं, इसलिए मान लेता थोड़ी देर के लिए ये मेरा 2s है और ये मेरा 2s है, तो ये मेरा 2s 2s ओवरलैपिंग हो गया। तो ये जो एरिया आप देखते हो, इस एरिया को हम लोग ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा एस एस ओवरलैपिंग आता है। दूसरा हमारा आता है पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग कुछ ऐसा होता है कि ये आपने एक पी ऑर्बिटल लिया, ये आपने दूसरा पी ऑर्बिटल लिया, और ये भाई साहब उठा के इनको कंबाइन कर दिया, ए समथिंग लाइक दिस, ए आपने ऐसे कंबाइन कर दिया, तो ये जो एरिया देख रहे हो ये भाई पी एक्स हो गया, ये आपका मान लेते हैं पी एक्स है, और ये पी एक्स पी एस की ओवरलैपिंग हो गई। अब देख रहे हो ये इनका माथा है, सिर है, और ये भी इनका सिर है, तो माथे से माथा भिड़ा रहे हो, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग दे रही हो, आपकी पी पी ओवरलैपिंग दे रही है, ठीक है। तीसरी ओवरलैपिंग इसके अंदर आती है, तीसरी ओवरलैपिंग आती है, इसको बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग,
ठीक है, तो एक आपका एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है और दूसरी आपकी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, और इनको आप कंबाइन कर रहे हो तो ये हमारी एस पी ओवरलैपिंग आ रही है। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है। अभी मैं ज्यादा अंदर तक नहीं घुस रहा हूं, अभी आगे जाऊंगा, अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो ये 2x है और ये तुम्हारा px है। ठीक है, आगे चल के हम और भी इसके डेप्थ में बातें करेंगे, अभी बस ऊपर ऊपर है कि भाई एस और पी कैसे कंबाइन करके एस पी ओवरलैपिंग देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीन ओवरलैपिंग जो आती है वो हमारी किसके अंदर आती है, तीन ओवरलैपिंग जो आती है हमारी कोएक्सियल में आती है। अब अगली आएगी हमारी कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग। उसको मैंने नाम दिया था साइड वाइज भी, ठीक है, या पाई नाम दिया था, तीन नाम दिए थे। कोलेटरल में सबसे पहले आती है आपकी पी पाई ओवरलैपिंग, मतलब कुछ ऐसा, ये आपका पी ऑर्बिटल है और ये आपका पी ऑर्बिटल है। अब आप लोग क्या करोगे, कमर से कमर मिलाओगे, क्या मजाक करता रहता है। तो देखो ये अगर मैं मान लो यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो जब ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ पास आ जाएंगे, ऐसे चिपकने लगेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये जो हमारी ओवरलैपिंग है ये हमारी पाई ओवरलैपिंग है, इसको हम लोग पी पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं। देखो आहा कितना अच्छा डायग्राम आ गया, ये मेरा पी पी वाई है, ये मेरा पी वाई है, और ये मेरा भाई साहब पी वाई ओवरलैपिंग है। इसको हम लोग पाई ओवरलैपिंग नाम देते हैं, या इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग नाम देते हो, देख सकते हो। इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हो और आप इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आती है हमारी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, मतलब एक ऑर्बिटल आपका पी का होगा और दूसरा ऑर्बिटल आपका डी का होगा। इट्स समथिंग लाइक, लेट्स सपोज करो यार, ये लिया ऐसे और दूसरा मैंने पी ले लिया, ठीक है, और इनको उठा के कंबाइन करने की कोशिश की थोड़ी देर के लिए, यार ये मेरा डी एक्स वाई है, ठीक है, और ये भी मेरा वाई है, पी वाई है, इनको उठा के आप कंबाइन कर रहे हो, और जब आप इनको कंबाइन कर रहे हो तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा, ये ठीक है, ये कंबाइन हो जा रहा है। तो ये आपकी डी एक्स वाई पी वाई पाई ओवरलैपिंग है, इसको कुछ लोग डी पाई पी पाई बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, डी पाई पी पाई, डी के अंदर भी है पाई, पी के अंदर भी पाई है, ठीक है। और तीसरी आती है इसके अंदर डी पाई ओवरलैपिंग, आप प्लीज इसको लिखते जाइएगा यार, ठीक, डी पाई ए कुछ ऐसी, इसके दो होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। ए मान लेते हैं ये मेरा डी एक्स वाई है, ये भी मेरा मान लीजिएगा डी एक्स वाई है, और मान लीजिए मैं वाई एक्सिस से ओवरलैपिंग करा रहा हूं, मतलब कोई भी एक एक्सिस उठा लिया, तो कुछ नहीं करना, इनको ऐसे पास बुलाना है, जैसे मान लो तितलियां होती हैं, बटरफ्लाई होती है ना, इनको आप दो बटरफ्लाई ऐसे ले रहे हो और इनको ऐसे पास बुला रहे हो, ये ऐसे ओवरलैप करा रहे हो, ठीक है, ओके, तितली उली बस पे चली वाला हार्ड है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, और ये हमारी कैसी ओवरलैपिंग है, पाई ओवरलैपिंग है, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन ओवरलैपिंग बताने जा रहा हूँ, ये भी डी के अंदर होती है लेकिन इसको पाई के ना बोल के, ये तीसरी टाइप की ओवरलैपिंग होती है, इसको बोलते हैं डेल्टा ओवरलैपिंग, क्या नाम दिया, डेल्टा ओवरलैपिंग, बहुत ही मस्त चीज है डेल्टा ओवरलैपिंग। डेल्टा ओवरलैपिंग शायद कुछ ऐसे समझो कि एक ये ओवरलैपिंग है, ऑर्बिटल है, और एक ये ऑर्बिटल है, मतलब कुछ ऐसे, चार और ऑर्बिटल इस ऊपर वाले प्लेन में है और चार ऑर्बिटल नीचे वाले प्लेन में। अभी तक हम लोग पहले इसको ऐसे कंबाइन कर रहे थे, अब हम लोग इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, यू यू कंबाइन होगा, ठीक है। तो जब ये एक के ऊपर आके तितलियां बैठ जाएंगी, एक मान लो तितली के चार पंखे, ये चारों एक के ऊपर आके एकदम कंप्लीटली ऐसे बैठ जा रही हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग देख रहे हो ये हमारी क्या कहलाती है, डेल्टा ओवरलैपिंग कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये जब ऐसे कंबाइन करेगी ना, तो थोड़ा सा डायग्राम सुंदर बनाऊंगा, तुम्हें पता है कितना ही सुंदर बनाऊंगा, ए इनके साथ कंबाइन कर रही है, ये मतलब पूरी तरह ऊपर से आके चिपक जा रही है। हाँ बाकी लोप वाइज समझो तो भाई देखो ये बात तुम्हें पता है कि मान लो यार ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये तुम्हारा नेगेटिव है,
यहाँ पे भी भाई ये तुम्हारा पॉजिटिव है, यहाँ तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है और ये तुम्हारा नेगेटिव है। तो अब जब तुम कंबाइन करोगे तो ये तो थोड़ी केमिस्ट्री जानते हो ना कि यार पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कंबाइन होगा। अबे चार्ज नहीं रहे, ये ऑर्बिटल है, ठीक है, वेयर्स का फंक्शन खेल है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव, ये कंबाइन कर रहे हैं असल में। तो ये जो हमारी ओवरलैपिंग आ रही है ये हमारी डेल्टा ओवरलैपिंग है भाई। ये मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना यार, ये कंस्ट्रक्टिव वेव का खेल है। जैसे भाई एक वेव ऐसी जा रही है और एक वेव ऐसी जा रही है, तो इन वेव्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव बुलाते हैं क्या भाई? कभी आपने पढ़ा होगा कि इसको शाय ए बुलाते हैं, इसको शाय बी बुलाते हैं, तो इससे जो वेव बन रही है वो शाय ए प्लस भी बन रही है। तो ये तभी पॉजिटिव होती है जब दोनों वेव्स कंबाइन करती हैं, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव वेव बुलाते हैं। इतनी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए तभी केमिकल बॉन्डिंग में मजे ले पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि डेल्टा ओवरलैपिंग क्या होती है, जब एक के ऊपर ऐसे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो हमने तीन तरह की ओवरलैपिंग पढ़ी, एक हमने पढ़ी सिग्मा ओवरलैपिंग, एक हमने पढ़ी पाई ओवरलैपिंग, और एक तीसरी ओवरलैपिंग पढ़ी जिसका नाम हमने रखा डेल्टा ओवरलैपिंग। ये ना सिग्मा में आएगी ना पाई में आएगी, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। तो पहली बात हमने ये सीखा कि कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एस ओवरलैपिंग क्या होती है, पी ओवरलैपिंग क्या होती है, कोएक्सियल क्या होती है, कोलेटरल क्या होती है। चाहो तो यहाँ पे एक जोड़ दो और इसको आप नाम दे दो डेल्टा ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई के अलावा दे दो डेल्टा ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आपके आपने पढ़ा कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इसके टाइप पढ़ लिए, कोलेटरल इसके टाइप पढ़ लिए। इमेजिनेशन अपनी स्ट्रांग रखना यार, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकंड बस भाई पानी पी लूँ यार। हाँ, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात, जब हम लोग ओवरलैपिंग में करते हैं तो एक टर्म आता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो सब करना जानते हैं, लेकिन अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होती है, इस वर्ड को समझने के लिए वर्ड क्यों जाता है एक्सटेंड ओवरलैपिंग। और ये बात तुम समझ रहे होगे यार कि जितनी अच्छी जितनी स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी उतना जो बॉन्ड होगा वो पास पास आएगा, और जितना बॉन्ड मॉलिक्यूल पास पास आएगा और चिपकने की कोशिश करेगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी यार, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो मैं बस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। ठीक है, ओके। अब इसके कंसेप्ट के अगर अंदर चलते हैं तो ओवरलैपिंग अगेन दो फॉर्म की होती है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये दो तरह की होती है, एक होती है आपकी डायरेक्शनल ओवरलैपिंग और एक आपकी होती है डिफ्यूज्ड ओवरलैपिंग, ठीक है। डायरेक्शनल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और डिफ्यूज मतलब फैला हुआ। क्या बोला मैंने, डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर वो एक्स है, आइदर वो वाई है, आइदर वो जेड है, कोई भी हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। और डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, ऐसे फैला हुआ, ए ये कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चित्र बीतते, जैसे आप एस ऑर्बिटल में देखते हो तो इलेक्ट्रॉन हर जगह फैले हुए होते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि कब डायरेक्शनल अच्छी होती है और कब डिफ्यूज अच्छी होती है, ठीक है। तो आओ आओ समझते हैं। देखो, इफ एन इज सेम, इफ एन इज सेम देन माई डियर डायरेक्शनल इज डोमिनेट ओवर द डिफ्यूजन। मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा है कि मेरी एक बंदी है, ठीक है, उसका नाम मैंने रखा है ब्यूटी। मैं अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ बेचारी का, ठीक है, खूबसूरत सी बंदी है, ठीक है, लेकिन परेशान बहुत करती है हमको, कभी कभी मन करता है उठा के मार वाड़ दें, ठीक है। अब यार इतनी हिम्मत तो है नहीं, बट फिर भी सोचते हैं कि मारना पड़ जाए तो लेट सपोज करो मेरे पास 10 ग्राम का एक कॉपर है, क्या है, 10 ग्राम का कॉपर है, और मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, मैं नहीं मार सकता, तुम तो मार ही सकते हो यार, ठीक है। 10 ग्राम का कॉपर ले लो
और इस 10 ग्राम के कॉपर के दो काम करो, एक बना लो भाई साहब इसकी बॉल, ये उसकी बॉल बनाई, और दूसरा इसका बना लो चाकू, ये नाइफ बना लो इसका। बहुत अच्छा नाइफ तो मुझसे नहीं बनेगा, यह बन गया नाइफ, अच्छा लग रहा भाई, तुम इसका नाइफ बना लो। अब तुम्हें कि चूंकि ये जो ब्यूटी जी हैं, ये जो ब्यूटी जी हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और अगर मैं तुम्हें तुम्हें मारने का मौका देता हूँ, मैं बोलता हूँ आज इसका ख़त्म कर ही दो भैया, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक बॉल है और एक नाइफ है। बताओ इसका अगर तुम्हें हैप्पी बर्थडे टू टू करना होगा, HBD टू टू करना होगा, तो क्या यूज़ करोगे, बॉल यूज़ करोगे या नाइफ यूज़ करोगे? क्या चीज़ ऐसी है जो मार दें तो खट्टे से एकदम ख़त्म ही हो जाए, तो क्या यूज़ करना चाहिए? पक्का मन में तो आ रहा होगा, हाँ सर उठा के चाकू वाकू मार दो, ठीक है गेम ख़त्म, गेम ख़त्म। मतलब आप क्या कर रहे हो, नाइफ जब मार रहे हो ना तो नाइफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, नाइफ एक पर्टिकुलर इसके डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मे बी नहीं जा रही है। हाँ मन में चल रहा है कि सर बॉल को माथे में मार दें तो फट जाएगा, ठीक है, बट अगर मैं एक डायरेक्शनल की बात करूँ, जोक सपाट, अगर मैं डायरेक्शनल की बात करूँ तो डायरेक्शनल क्या है, एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग दिखाती है। डायरेक्शनल क्या है, एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग दिखाती है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल 2s2s का है और एक ऑर्बिटल 2p2p का है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कौन दिखाएगा, 2s2s दिखाना चाहिए या 2p2p दिखाना चाहिए? तो देखो यार, अभी मैंने बात किया कि ये जो s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, फैले फैले होते हैं, और ये होते हैं डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एक्सिस में होते हैं। तो याद रखना यार कि 2p2p की ओवरलैपिंग 2s2s की ओवरलैपिंग से ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन ये कब बोल रहा हूँ, देखो यहाँ बार बार बोल रहा हूँ, ये एन इज सेम होना चाहिए, ये हम आपका इनका एन जो है ये सेम है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई बोलता है 2p2p और 2s2s में किसकी अच्छी ओवरलैपिंग है, तो आंसर इज 2p2p की ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कब, जब n सेम हो। तो लेकिन अगर सर n डिफरेंट हो गया तो आप देखते हैं, तो आप देखते हैं, इफ n इज डिफरेंट, अगर आपका n डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट का मतलब कोई दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक मेरा 1s ऑर्बिटल है और अब एक मेरा 2p2p ऑर्बिटल, तो इस बार याद रखना कि ये जो 1s 1s है इसकी ओवरलैपिंग 2p2p से ज़्यादा अच्छी होगी। क्या यूँ कह दूँ कि अगर n डिफरेंट है तो जिसका n छोटा उसकी ओवरलैपिंग अच्छी, तो ओवरलैपिंग जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। लेकिन ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है डिफ्यूज जो है वो डायरेक्शनल को डोमिनेट कर गया, जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्शनल को भाई साहब डोमिनेट कर गया, लेकिन ये कब, जब n इज डिफरेंट। और अगर नॉर्मली अगर आपका n सेम है तो आप क्या यूज करोगे कि हाँ यार डायरेक्शनल जो है आपका ज्यादा अच्छा है डिफ्यूजन से, ठीक है। ओवरऑल अगर मान लो मेरे पास चार मेंबर हैं, एक क्वेश्चन ही समझ लो चाहे कुछ समझ लो, कि एक 1s 1s है, एक मेरे पास 2s 2s है, एक मेरे पास 2p2p है, और एक मेरे पास लेट सपोज करो 3p3p है। इन चारों को मुझे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में अरेंज करना है, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी। तो देखो सबसे पहले देखा करो n, जिसका n छोटा होगा उसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी, उसके बाद अगर n सेम है तो डायरेक्शनल। तो देखो यार यहाँ देखो एक और बढ़ा लेता हूँ, एक कर लेता हूं 2s2p, ठीक है, ये 5 कर लेते हैं। अब देखो यार सबसे पहले सबसे छोटा n भाई साहब किसका है, तो 1s 1s का सबसे छोटा है, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, 1s 1s आएगा। उसके बाद यहां पे देखो ये भी 2 और ये भी 2। अब यहां क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्शनल डोमिनेट होगा डिफ्यूजन पे। तो आपको पता है अभी हमने पढ़ा कि p ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2p2p की ओवरलैपिंग सबसे पहले आएगी, उसके बाद आपकी आएगी 2s2p की, ये ख्याल रखना भाई, और उसके बाद आएगी 2s2s की, और लास्ट में आएगी आपकी 3p3p की, ठीक है।
तो ये मैंने बस एक बताया कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिफ्यूजन डोमिनेट कर रहा है डायरेक्शनल पे, इन तीनों में हमारे डायरेक्शनल डोमिनेट कर रहा है डिफ्यूजन पे, और ये तो फिर बड़ा ही हो गया। ठीक है, याद रहेगी बात, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, इसका तो जरूर ख्याल रखना यार, टू पी टू पी का, टू एस टू पी का, और टू एस का। ठीक है, याद रहेगी बात, ठीक है ना यार, आई होप आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही होगी। ओके, बढ़े आगे। अच्छा, बहुत आगे आ रहा है, लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने छोटू सा डायग्राम बनाया के समझाने की कोशिश की है, ये देख सकते हो, ये तुम्हारा 2s और 2s कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ये आपका 2s और 2p कैसे कंबाइन कर रहे हैं, और ये भाई साहब देखो 2p 2p सबसे प्यारी मक्खन ओवरलैपिंग, एकदम चिपक के आस में एकदम बैठे हैं। ठीक है, तो अगर सबसे अच्छी ओवरलैपिंग बोले तो अभी बताया, बोलो बोलो, सबसे पहले किसकी आएगी, 2p 2p की, उसके बाद किसकी आएगी यार, 2s 2p की आएगी, और लास्ट में भाई साहब किसकी आएगी, 2s 2s की आएगी। ठीक है, मेरी बातें समझ में तो आ ही रही हैं, थोड़ा थोड़ा फील ले ही पा रहे हो। ठीक है, ये थी जितनी भी हमने ओवरलैपिंग अभी तक आपको बताई, ये आपकी सारी ओवरलैपिंग सिग्मा ओवरलैपिंग के अंदर आई, ये जो मैंने आपको बताया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में, जो मैंने आपको बताया कि किसके अंदर बताया, सिग्मा ओवरलैपिंग बताया, यहाँ कहीं लिख लो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में बंदा पहले क्या बता रहा है, सिग्मा बता रहा है। अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो है पाई के अंदर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन पाई, कुछ डायग्राम भी दिखा दूंगा बाद में। ओवरलैपिंग इन पाई ऑर्बिटल्स, तो उसका एक तरीका होता है, सबसे अच्छी होती है एनपी पाई, एनपी पाई, उसके बाद होती है एनपी पाई एन प्लस वन, सॉरी एनडी पाई, एनपी पाई और एनडी पाई, इसके बाद आएगी आपकी एनपी पाई एन प्लस वन डी पाई। ठीक है, उसके बाद आएगा एनपी पाई एन प्लस वन पी पाई, और फिर आएगा एन प्लस वन पी पाई एन प्लस वन पी पाई। क्या कहने का सेंस है, अगर लेट सपोज करो आप एन की वैल्यू टू ले लेते हो, अगर आप सपोज करो आप एन की वैल्यू टू ले लेते हो, तो ये भाई साहब तुम्हारी क्या आ जाएगी, टू पी पाई, टू पी पाई, अच्छी ओवरलैपिंग है, फिर टू पी पाई, टू डी तो होता ही नहीं, भट हटा दो इसको यहाँ से। ठीक है, ये ले लो सीधे, टू पी पाई थ्री डी पाई, टू पी पाई थ्री डी पाई। ठीक, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टू पी पाई थ्री पी पाई, और लास्ट में आएगा आपका थ्री पी पाई थ्री पी पाई। तो ये बात याद रखना, ये आपकी पाई ओवरलैपिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इस बेचारे को बीच में हटा दो। ठीक है, ये कुछ ऐसे याद रखना, ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंड याद रखना, ये किसके लिए है भाई साहब, पाई के लिए है। पाई तो अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, टू पी पाई, और आता है थ्री पी पाई थ्री पी पाई। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, आपने कभी सुना होगा कि ऑक्सीजन और अगर मैं सल्फर में कंपेयर करूँ, ऑक्सीजन एंड मैं सल्फर में कंपेयर करूँ और पूछूँ ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्टेबल कौन है, विच इज़ मोर स्टेबल, तो आप क्या करोगे, पहले ऑक्सीजन की ओवरलैपिंग देखोगे और आप सल्फर की ओवरलैपिंग देखोगे। अभी हम लोग अंदर घुसेंगे, बट ऑक्सीजन में आपको पता है टू पी पाई होती है, क्योंकि इसके पास टू पी ऑर्बिटल होता है, जबकि सल्फर के अंदर कौन सी होती है, थ्री पी पाई होती है। तो किसकी ओवरलैपिंग पीछे हमने देखी ज़्यादा अच्छी है, दैट इज टू पी पाई, इसलिए यार ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, सल्फर से। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये जस्ट बेसिक था, स्टेबिलिटी इस बात पे देखी गई कि किसकी अच्छी ओवरलैपिंग थी, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतने मालिक पास आएंगे, और पास आएंगे तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा और इमेजिनेशन वाला है, थोड़ा सा और टफ है। ठीक है,
टफ कैसे है, इमेजिनेशन कैसे है। तो आओ देखो, एक टर्म यूज कर रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको शॉर्टकट में इसको INA बुलाते हैं, हैं क्या बुलाते हैं, INA बुलाते हैं, दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या नाम दिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज INA। ये क्या होता है, देखो यार, जब भी आप दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हो तो कंबाइन करते वक्त एक एक्सिस के थ्रू उनको पास होना होता है, और वही एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होता है, बताता है कि कौन सी ओवरलैपिंग होगी। भाई सिग्मा होगी, पाई होगी या डेल्टा होगी, ये तीन पॉसिबल है, तो किस एक्सिस से कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी उसका डिसीजन हमारा INA लेता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मतलब मैं, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, मैं इसको कैसे पास करूं कि सो दैट ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर जाए, तो कौन सा ऐसा एक्सिस उठाऊं जिससे ये मिक्स हो जाए, इस एक्सिस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब मैं आपके सामने एक एक फ्लो चार्ट और एक एक टॉपिक बताता चला जाऊंगा कि कौन सा ऑर्बिटल पे, कौन सी एक्सिस पे क्या क्या ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहां पर मैं पहले ऑर्बिटल्स के बारे में बता देता हूं। यहां मैं इसका INA ले लूंगा और यहां पर टाइप ऑफ बॉन्डिंग ले लूंगा, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आइदर सिग्मा होगी, आइदर पाई होगी और आइदर डेल्टा होगी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि यार मेरा SS है, अब इमेजिन करना थोड़ा कि यार तुम्हारा एक S ऑर्बिटल है और दूसरा भी तुम्हारा S ऑर्बिटल है, तो यार S ऑर्बिटल तो स्फेरिकल शेप के हैं, अब तुम चाहे इसको ऐसे कंबाइन करो, चाहे इसको ऐसे कंबाइन करो, चाहे इसको ऐसे कंबाइन करो, मतलब किसी भी एक्सिस से, चाहे एक्स एक्सिस से, चाहे वाई एक्सिस से और चाहे आप जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस से कंबाइन करोगे आपको क्या मिलेगा, ओवरलैपिंग मिल सकती है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि भैया एनी एक्सिस जब भी मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब आइदर वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, आपको जो ओवरलैपिंग मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, सिग्मा ओवरलैपिंग मिलेगी। अब भाई कहाँ पहुँच गया रे, क्या मिलेगी, सिग्मा ओवरलैपिंग मिलेगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आएगा आपका एस लेना है और आपने पी एस लेना है। अब लॉजिक सोचना कि ये तुम्हारा एस ऑर्बिटल है और ये तुम्हारा पी एक्स ऑर्बिटल है। अब बताओ कि अगर मुझे सिग्मा ओवरलैपिंग चाहिए तो मैं कौन से एक्सिस को पास कराऊं, भाई इनको जोड़ना चाहते हो सर, आप इनको जोड़ना चाहते हो, ये इस लाइन को आपस में जोड़ना चाहते हो, तो कौन से एक्सिस उठा लें, तो बट ऑब्वियसली सर आप एक्स एक्सिस उठा लो। तो अगर आप एस और पी एक्स को कंबाइन कर रहे हो तो आप एक्स एक्सिस जब उठाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह हम लोग एक्सिस की बात कर रहे हैं, मेरे पेज कुछ खत्म हो गए हैं यार, एक हाथ में पहले पेज निकाल लूं, कीप रहो भैया कीप, ए यहां पे इंटर मारता चला जाऊं, ये ला, ठीक है, और चलो अपनी वापस स्लाइड पे चलो। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि एस और पी एक्स जब कंबाइन करेंगे तो आपने सिग्मा ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक्सिस कौन सा कंसीडर किया, एक्सिस, इसको लिखते जाना भाई, ठीक है, इसको लिखते जाना। अब तीसरा आएगा, अब अगर आपने एस ले लिया, यहां पे भाई ऑर्बिटल चल रहा है, यहां आपकी INA चल रहा है, और यहां आप, मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा बट कौन सी ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो अगर मैं एस लेता हूं और मैं इसको PY से कंबाइन कर रहा हूं, अब बताओ मुझे सिग्मा ओवरलैपिंग चाहिए, मैं यहां से बना लेता हूं, यहां तक तो शायद फोटो वोटो होगी, ठीक है। अगर मैं सिग्मा ओवरलैपिंग चाहता हूं तो बताओ कौन सा INA उठाऊं इसके लिए, इसके लिए मैं कौन सा INA उठाऊं, तो अंडरस्टूड है, वाई एक्सिस है, कुछ सोचो ना यार, कुछ सोचो ना, थोड़ी देर के लिए ये एस ऑर्बिटल है और इस बार ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा PY है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, एक्सिस तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी ले सकते हो यार, तुम्हारा एस ऑर्बिटल है। अब तुम इनको कंबाइन करोगे पास लाने के लिए तो कौन सा ऑर्बिटल उठा रहे हो, वाई, सो दैट क्या बना सको, सिग्मा बना सको, ठीक है। उस तरह अब अगर आप सोचो कि तुम्हारे पास एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी जेड है, तुम्हें सिग्मा चाहिए तो कौन सा ऑर्बिटल लोगे, अब बताने की जरूरत नहीं है यार, जेड एक्सिस उठा लो, आपका सिग्मा बन जाएगा, ठीक है, डन, बढ़ जाए आगे। फिफ्थ, अब तुम अगर, यहां पे मजा आएगा, अब अगर तुम एस ले लो और पी एक्स ले लो, एस और पी एक्स में अगर तुमने एक्स की जगह या तो वाई ले लिया या तो जेड ले लिया, लॉजिक सोचो,
एक तुम्हारा एस ऑर्बिटल है, एक तुम्हारा ये पी एक्स ऑर्बिटल है, एक तुम्हारा एस ऑर्बिटल यहाँ हाथ में, एक तुम्हारा इधर पे पी एक्स ऑर्बिटल ये। अब तुम्हें कंबाइन करना है तो तुम चाहते हो कंबाइन करो, लेकिन ये बोल रहा है आई एन ए क्या लो, या तो तुम वाई लो या तो जेड लो। तो खुद बताओ क्या मैं ऐसे वाई ले पे कंबाइन करा सकता हूँ, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, कंबाइन के लिए क्या चाहिए, यही एक्सेस चाहिए। लेकिन ये कोई बोला यहाँ से ले लो, कोई बोला यहाँ से ले लो, मतलब थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ यार कि ये लॉजिक सोचो, ये एस है और ये मेरा पी एक्स है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से कंबाइन करूँ तो हो पाएगा क्या, यहाँ से कंबाइन करूँगा हो पाएगा क्या, तो पॉसिबल नहीं है कंबाइन। इसका मतलब वाई और अगर ले लिया तो इसका आंसर आएगा नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आई एन ही डिसाइड करता है कि कौन सी ओवरलैपिंग होनी है। तो एक बात याद रखना, अगर आप चाहते हो सिग्मा ओवरलैपिंग तो इसका ट्रिक होता है कि जो भी आपके पी के पास है, अगर पी वाई है और पी जेड है, तो आप उसका आई एन ए ले लो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप एस के साथ कोई पी ऑर्बिटल ले रहे हो और उस टाइम आपका आई एन ए ठीक नहीं है, तो आपकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ, अगर मैं एस लेता हूं और मैं पी एक्स की जगह पी वाई ले लेता हूं, आई एन ए मैं वाई की जगह एक्स और जेड ले लेता हूं, तो अगेन क्या आएगा, नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं आएगी। उसी तरह अगर मैं एस ले लेता हूं और पी जेड ले लेता हूं, आई एन ए जेड की जगह आप या तो वाई ले रहे हो या तो एक्स ले रहे हो, अगेन क्या आएगी, नो ओवरलैपिंग आएगी। एकदम पीछे वाला कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है कि जिस एक्सिस से अगर आप ओवरलैप चाहते हो, सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो पी के रिस्पेक्ट में लिया करो। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि मैं वाई और जेड ले रहा हूँ। याद रखना एग्जाम में आपको पूछेगा या मेंशन किया होगा कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही ओवरलैपिंग हो रही है तभी आपको ओवरलैपिंग का पता चलेगा, ठीक है। ये बात थी हमारी किसको लेके, एस और पी को लेके। अब अगले आएगी बात, अगला आएगा मान लो मैं पी एक्स पी एक्स लेता हूं। अब लॉजिक सोचना, मैं बोल रहा हूं कि एक मेरा पी एक्स है, दूसरा भी मेरा पी एक्स है और मैं चाहता हूं इनको कंबाइन कर जाऊं। तो खुद लॉजिक सोचो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और मैं चाह रहा हूं, मैं पहले आपसे बोल रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं सिग्मा ओवरलैपिंग दूं। तो खुद सोचो कि कौन सा एक्सिस उठाया जाए, कौन सा एक्सिस उठाया जाए। तो इसकी खासियत है कि भाई अगर आप इसी सेम एक्सिस में ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको सिग्मा चाहिए तो एक्सिस ले लो, ठीक है ना यार, अभी पीछे बात की थी, ये सिग्मा है, ओके। तो अगर आपको सिग्मा चाहिए तो आप पी एक्स पी एक्स ले लो, सेम एज, अगर एकदम सेम यार, अगर पी वाई पी वाई ले रहे हो और अगर आपका आई एन ए वाई है तो अगेन क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, ठीक है, सेम एज। नंबर क्या था भैया, नाइन्थ, चलो अब ले लेते टेंथ। उस तरह अगर आप पी जेड ले रहे हो, यहाँ तुम आई एन ए लिख रहे हो और यहाँ पे ओवरलैपिंग का टाइप लिख रहे हो। अब अगर तुम यहाँ पे सिग्मा ओवरलैपिंग लेना चाहते हो तो आई एन ए क्या रखोगे, जेड रखोगे। लेकिन अब अच्छी बात, अगर तुमने मान लो पी एक्स दोबारा ले लिया, ठीक है, और आपने एक्स नहीं लिया, क्या नहीं लिया, एक्स नहीं लिया, और एक्स की जगह या तो आपने अबे एक्स नहीं लिया तो मत लिखो ना, एक्स नहीं लिया, या तो आपने वाई लिया या तो आपने जेड लिया, मतलब कुछ ऐसा, ये आपका है ऐसे और ये आपका है ऐसे, और आप इसको ऐसे की जगह वाई ले रहे हो, वाई मतलब तुम इसको ऐसे कंबाइन कराना चाह रहे हो, तो इस एक्स से कंबाइन कराना चाह रहे हो, तो बताओ ये कौन सी ओवरलैपिंग आ रही है, बताओ ये कौन सी ओवरलैपिंग आ रही है, तो ये तुम्हारी ओवरलैपिंग आ रही है पाई ओवरलैपिंग, ठीक है ना भाई। एक पी एक्स तुमने यहाँ रखा, एक पी एक्स तुमने नीचे रखा और लाइन यहाँ से मारी, लाइन तुमने यहाँ से मारी। थोड़ा इमेजिनेशन कर पा रहे हो यार, थोड़ा सा इमेजिनेशन है, ज़्यादा नहीं है, कि ये लाइन लिया और यहाँ से आई एन ए मार दिया, तो ये जो ओवरलैपिंग दिख रही है वो पाई ओवरलैपिंग दिख रही है। मतलब पी एक्स में अगर तुम्हें पाई चाहिए तो वाई और जेड ले लो, सेम एस, एकदम सेम। आप खुद बता दो, अगर तुम्हारे पास पी वाई है और तुम्हें पी वाई में पाई चाहिए तो बताओ क्या ले लूँ, वाई मत लेना, क्या ले लेना, एक्स ले लेना या जेड ले लेना। सेम एज यार, अगर तुम्हारे पास पी जेड है और तुम चाहते हो भाई साहब पाई ओवरलैपिंग करा लें, तो अब क्या करोगे,
अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे x ले लो या तुम्हारा y ले लो, काम हो जाएगा। एकदम सेम डायग्राम है, एकदम सेम डायग्राम है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें पाई चाहिए तो पी वाई में जो भी पी में है उसके अगेंस्ट ले लो, आपको पाई मिल जाएगी। और अगर आपको सिग्मा चाहिए तो जो भी पी में है आप उसके फेवर में ले लो, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आगे लेवल बढ़ाता हूँ। ये 13 था, अब आते हैं 14 पे। एक सेकेंड, अब मान लो तुम्हारे पास एक पी एक्स है और दूसरा तुम्हारा पी वाई है। क्या बोला मैंने, तुम्हारा पी एक्स है और तुम्हारा पी वाई है। इमेजिन करना कि ये तुम्हारा थोड़ी देर के लिए पी एक्स है और ये लेट सपोज करो पी वाई है। अब बताओ कौन सा एक्सिस ले और कौन सी ओवरलैपिंग कराएं, कौन सा एक्सिस लें और कौन सी ओवरलैपिंग कराएं, लॉजिक सोचना। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये देखो ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो बोलोगे सर क्या माथे से कमर भिड़ा रहे हो, ये इसका माथा हो गया हेड हो गया और ये इसका क्या हो गया कमर हो गया, तो क्या माथे से कमर भिड़ाओगे। तुम कोई भी एक्सिस ले लो, चाहे आइदर एक्स ले लो, चाहे आइदर वाई ले लो, चाहे एनी एक्सिस लिख दे रहा हूँ, एनी एक्सिस, पता है क्या आंसर आएगा, नो ओवरलैपिंग। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ यार, नो ओवरलैपिंग आएगा भाई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा थोड़ा तो कंबाइन होगा, तो यार ये ओवरलैपिंग का आंसर नहीं है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है कि पी एक्स और पी वाई ले लिया और कोई भी एक्सिस ले लिया तो आपको ओवरलैपिंग नहीं मिलने वाली। यही चीज सेम है अगर आपने पी वाई सॉरी आपने पी जेड ले लिया और आपने कोई भी एक्सिस ले लिया, एनी एक्सिस, तो आपको नो ओवरलैपिंग दिखाई देगी। सेम एज अगर आपने पी एक्स और पी जेड ले लिया, कोई भी एक्सिस ले लिया, तब भी आपको क्या दिखाई देगी, नो ओवरलैपिंग दिखाई देगी। तो ये सब यार आपके नॉलेज में होनी चाहिए, दिमाग पर होनी चाहिए कि ओवरलैपिंग करने के लिए क्या करना है। अभी तक हम एस के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम पी के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं डी के साथ। आओ तो चले आओ, नंबर पर देख लें क्या था पीछे, 16 है, आओ 17। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेट सपोज करो डी एक्स वाई ले रहा हूँ और मैं पी ले लेता हूँ, लेट सपोज करो पी एक्स ले लेता हूँ, चलो ठीक है, क्या ले लेता हूँ, डी एक्स वाई ले लेता है और पी एक्स ले लेता हूँ। कुछ ऐसे समझ सकते हो, ए यू लिया, पीछे बताया था ना मैंने, यहाँ मान लेना थोड़ी देर के लिए ये मेरा मान लेना तुम्हारा एक्स एक्सिस है और थोड़ी देर के लिए ये मान लेना तुम्हारा वाई एक्सिस है और इधर तुम्हारा ये पी एक्स है। थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करना यार, ये हमारा आई एन ए निकालना चाह रहा हूँ। अब मुझे इसकी ओवरलैपिंग चाहिए, तो देखो ये दो इधर वाले पकड़ लो और ये इधर पकड़ लो, ये दो इधर वाले पकड़ लो, मैं डार्क कर दे रहा हूँ, कहाँ गई पेन, इसको और इसको डार्क कर ले रहा हूँ इधर वाले से, और ये दो ऐसे ये ले ली और इनको तुम कंबाइन कर रहे हो, तो बताओ कौन सी ओवरलैपिंग आएगी, कौन सी ओवरलैपिंग आएगी, पाई ओवरलैपिंग आएगी, देख रहे हो पाई आएगी ना यार। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग लिख दूँ तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग तुम्हें ऑब्जर्व होने वाली है वो कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली है, पाई होने वाली है। बट ये तो सोचो कि तुम्हारा आई एन ए क्या होगा, आई एन ए क्या हो, तो इसका एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि जो भी डी में अनकॉमन है, जैसे पी एक्स और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, तो अगर तुम्हें पाई ओवरलैपिंग चाहिए तो इसका अनकॉमन क्या है, वाई, तो उठा लो वाई, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर तुम वाई एक्सिस है ना यार, देखो ना ये तुम्हारा क्या था, पी एक्स था, ये तुम्हारा पी एक्स था, इधर तुमने ऐसे कंबाइन किया, सॉरी डी था ये पी था, तो तुम कंबाइन यहाँ से कर रहे हो, ये लाइन मार रहे हो क्या, ये ए कलर चेंज कर ले, ये लाइन मार रहे हो क्या, ये पास आ जाओ, ये कौन सा एक्सिस है, कहाँ गया पेज, ठीक है, ये तुम लाइन मार रहे हो क्या, ये तुम्हारी वाई वाली लाइन है, थोड़ा सा टफ है यार, ठीक है, इनको आप उठा के कंबाइन कर रहे हो, ये आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और तो अब जब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ेगा, पाई बनेगा क्या, और पाई कब बन रहा है, कौन सा एक्सिस बन रहा है, वाई से बन रहा है, तो
तरीका यही होता है, इसका ट्रिक है, एग्जाम में बार बार इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको एट द एंड यार एग्जाम में आंसर चाहिए, बस ये बुद्धि लगाओ। तो देखो तुम्हारे पास पी एक्स है और डी एक्स वाई है, तो इसका अनकॉमन कौन है, वाई, तो सीधे पाई बन जाएगा। अगला खुद सोचो, खुद सोचो कि यार अगर मैंने ले लिया लेट सपोज करो डी वाई जेड और यहां ले लिया मैंने पी एक्स वाई और मुझे चाहिए पाई ओवरलैपिंग, तो बताओ क्या करूं, कौन सा एक्स ले लूं? तो सही बोल रहे हो एकदम, दैट इज जेड एक्स ले लूं। अनकॉमन कौन सा है इसमें, जेड है। उसी तरह लेट सपोज करो मैंने डी एक्स जेड ले लिया और मैंने यहां पे पी जेड ले लिया, तो कौन सा ओवरलैपिंग ऐसा उठाऊं सो दैट पाई बन जाए, तो आंसर इज आप एक्स ओवरलैपिंग ले लो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, जो इसका अनकॉमन है यहां पे अनकॉमन ये भाई साहब, यहां पे अनकॉमन आपका ये भाई साहब, और यहां पे अनकॉमन, अनकॉमन मतलब दोनों में जो एक्स में कॉमन नहीं है, अगर आप इनको उठाते हो तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। ठीक है, ए बढ़ जाते हैं आगे, एक सेकेंड भाई, 19, अब आते हैं 20 में। हाँ तो ये तो हमारी बात पी को लेके थी, अब आती है बात डी को लेके। अब देखो अगर तुम्हारे पास लेट सपोज करो डी एक्स वाई है और डी एक्स वाई है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, एकदम ध्यान दोगे, सुनो कैसे ध्यान दोगे, एक तुम एक ये ले रहे हो, एक तुम ये ले रहे हो और इनकी ओवरलैपिंग कराना चाह रहे हो। तो सुनो सुनो सुनो, मान लेते हैं ये मेरा डी एक्स वाई है, ये भी मान लेते हैं, अबे चल ये भी मेरा डी एक्स वाई है, ठीक है, ए बी बना लो, ये बना लो। अब थोड़ी देर के लिए ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब तुम इनको ऐसे पास बुलाना चाहते हो, ये ले रहे हो और ऐसे पास बुलाना चाहते हो। अब देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये ऐसे आए और आइदर ये ऊपर से नीचे आए, ठीक है, आइदर ये साइड टू साइड आए और आइदर ये ऊपर से नीचे आए। तो अगर तो ये साइड टू साइड आएंगे तो कौन सी ओवरलैपिंग दिखाएंगे, पाई ओवरलैपिंग दिखाएंगे, और अगर तो ये ऊपर से नीचे को आएंगे ऐसे तो ये कौन सी ओवरलैपिंग दिखाएंगे, ये आपकी डेल्टा ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो यहां पे थोड़ा सतर्क रहना कि किस ओवरलैपिंग को तुम देख रहे हो, याद रखना अगर तुम्हें पाई ओवरलैपिंग चाहिए, कौन सी ओवरलैपिंग चाहिए, कौन सी ओवरलैपिंग चाहिए, पाई ओवरलैपिंग चाहिए, तो पाई ओवरलैपिंग के लिए अगर तुम चाहते हो कि ये भाई साहब आए और साइड में चिपक जाए ऐसे, ये इन लोग ऐसे चिपक जाए आपस में, यहां से यहां कंबाइन करूं, तो इनमें से आई एन ए जो तुम सेलेक्ट करोगे याद रखना वो कोई भी एक हो सकता है, आइदर एक्स हो और आइदर वाई हो, आप उसको उठा के सेलेक्ट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, पाई ओवरलैपिंग मिल जाएगा, मतलब ये साइड टू साइड दो तितलियां साइड से साइड आ रही है, यस। ठीक है, तो इसका एक ही ट्रिक है, इसका एक ही ट्रिक है, जो भी तुम्हें अगर तुम्हें पाई चाहिए, अगर तुम्हें पाई चाहिए तो जो भी तुम्हारे पास है एक्स वाई है, तो उनमें से कोई भी एक उठा लो। तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इस टाइप के, ठीक है, तो मैंने लिखा 20 में अगर तुम्हारे पास डी एक्स वाई है, दूसरा भी डी एक्स वाई है, तुमने आई एन ए उठाया और तुम चाहते हो कि ओवरलैपिंग तुम्हारी पाई ओवरलैपिंग, तो यहां पे तुम किसको उठाओगे, आइदर एक्स को उठा लो आई एन ए में और आइदर वाई को उठा लो। सेम एज अगर तुम्हारे पास डी वाई जेड और वाई जेड है, ठीक है, अगर तुम अगेन तुम पाई चाहते हो तो इनमें से कोई भी उठा लो, आइदर आप वाई उठा लो और आइदर आप जेड उठा लो। उसी तरह अगर आपके पास डी एक्स जेड और दूसरा भी डी एक्स जेड है और आप चाहते हो कि पाई ओवरलैपिंग हो जाए, आप इनमें से आइदर एक्स उठा लो और आइदर जेड उठा लो, आपका काम हो जाएगा। बट अगर तुमने ऐसा किया ए कि तुमने क्या कर दिया कि तुमने डी एक्स वाई लिया और दूसरा डी एक्स वाई लिया, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, अब तुम साइड वाइज नहीं करा के ऊपर से नीचे आ रहे हो, चिपका रहे हो, जैसे भाई देखो चिपका रहे हो, तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको यहां से ओवरलैप कराने की कोशिश कर रहे हो, ये यहां से, मतलब ये कुछ डायग्राम बाद में कुछ ऐसा बन जाएगा ओवरलैप होके, मैं और मेरे सुंदर सुंदर डायग्राम, पॉजिटिव नेगेटिव ले ले,
चल नेगेटिव यहाँ ले ले, पॉजिटिव यहाँ ले ले, कोई नहीं नेगेटिव, एथे पॉजिटिव पॉजिटिव, एथे नेगेटिव नेगेटिव, ये कुछ ऐसे आगे चिपक जाएंगे। और इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या नाम देंगे भाई साहब? डेल्टा ओवरलैपिंग नाम देंगे। तो अगर तुम्हारा डी एक्स वाई आ रहा है और तुम चाहते हो कि डेल्टा बनाओ, तो इसके विपरीत जो भी एक्सिस होगा, कौन सा एक्सिस मैंने चुना इसके लिए, आई एन ए मैंने कौन सा चुना इसके लिए, आई एन ए मैंने जेड एक्सिस चुना, ये एक्सिस चुना, ये यहां से लाइन मारी है। ठीक है, तो याद रखना अगर तुम्हें डेल्टा चाहिए तो इसके में जो नहीं है उसको उठा लो, आई एन ए तुम्हारा डिसाइड होगा, वो हमारा ओवरलैपिंग आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह भाई देखो जैसे डी एक्स वाई है, अब तुम्हें डी 25 नंबर लिख देते हैं यार, अब तुम्हें डी वाई जेड है और तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारी ओवरलैपिंग जो है वो कौन सी हो, डेल्टा ओवरलैपिंग हो, तो बताओ आई एन ए क्या लोगे, बताओ आई एन ए क्या लोगे। तो इसमें से वाई या जेड में से कुछ भी उठा लो, सॉरी एक्स उठा लो, तो ये तुम्हारा आई एन ए हो जाएगा, क्योंकि वाई और जेड उठा दे तो पाई बन जाता। उधर अगर तुमने एक्स जेड ले लिया है, दूसरा भी तुमने एक्स जेड ले लिया और तुम चाहते हो तुम्हारी ओवरलैपिंग डेल्टा हो, तो इनमें क्या नहीं है, दैट इज वाई नहीं है। ठीक है, क्लियर कट, बढ़े आगे, एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट आएगा, अगर तुम, ये इंपॉर्टेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ओवरलैपिंग करा रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, ये तुम्हारा एक्सिस में है सारे। ठीक है, ओके, और आप चाहते हो कि चिपक के पास आ जाए। अब बहुत ध्यान से यहां पे दो पॉसिबिलिटी आएगी, आइदर वो पॉसिबिलिटी सिग्मा की आएगी और आइदर वो पॉसिबिलिटी डेल्टा की आएगी। अगर तुम डेल्टा की पॉसिबिलिटी चाहते हो तो याद रखना तुम्हारे लिए आई एन ए इन दोनों में से नहीं होना चाहिए, मतलब ना एक्स हो ना वाई हो, सीधे सीधे क्या हो, जेड हो। भाई क्या किया मैंने, और डायग्राम देखते हैं, मैंने क्या किया, कुछ थोड़ी ना किया, ये लिया और ये लिया, अब इनको ऐसे ऐसे कंबाइन करने की कोशिश की, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल इमेजिन करना, ऐसे ऐसे कंबाइन करने की कोशिश की। तो यहाँ पे ये अगर मेरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये भी बच्चे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इनको आई एन ए मैंने उठाया जेड एक्सिस का, सो दैट मुझे कौन सी ओवरलैपिंग मिल पाए, मुझे डेल्टा ओवरलैपिंग मिल पाए। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं सर डी की तो सिग्मा बने, तो कुछ मत करो, ये लिया डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो रहा है यार, और ये तुमने लिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका आई एन ए डिसाइड करो, तुम बताओ सिग्मा ओवरलैपिंग चाहिए। तो भाई साहब इनको यहां से यहां पास बुलाना है, ये बुलाना है पास, इनको जोड़ना है, तो आइदर तुम एक्स ले लो और आइदर तुम वाई ले लो, तो आई एन ए तुम्हारा क्या हो जाए, आई एन ए तुम्हारा क्या हो जाए, आदर एक्स हो जाए और आदर वाई हो जाए, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग आएगी वो हमारी क्या आएगी, सिग्मा ओवरलैपिंग आएगी। ठीक है, एक और लास्ट भाई, अगर तुम्हारे पास एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल है, यही ठीक है, वैसे इससे अच्छा है ये भी ले सकते हो, चलेगा, एक एस ले लिया और तुमने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया, तो कौन सी आई एन ए ले ले, तो पहले तो देखो एस ऑर्बिटल दिमाग में याद रखना कभी भी पाई नहीं बनाता, एस कभी हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है, हमेशा सिग्मा। आई एन ए क्या है, तुम इसका एक्स ले लो, चाहे तुम आई एन ए इसका वाई ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा डी जेड स्क्वायर होगा। क्यों ज़्यादा अच्छा डी जेड स्क्वायर होगा, ज़्यादा अच्छा डी जेड स्क्वायर क्यों होगा, आपको मैंने पीछे बताया था कि डी जेड स्क्वायर नोडल फ्री जोन है। ठीक है, तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी, और आप सिग्मा ओवरलैपिंग जाते हो तो आप कुछ मत करो, उठा के इसको जेड एक्सिस पर रख दो, ये ऐसे आएगा, ऊपर से ले आओ और चिपकाते चले जाओ, ऊपर से लेते आओ और चिपकाते चले जाओ उसके साथ ऐसे। ठीक है, मतलब ये पेन है और ये यहाँ से ले आ रहा है इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, सिग्मा ओवरलैपिंग बन रहा है।
ठीक है। तो ये हमने कुछ आपको INS के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको बताया क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, बहुत हो गया। कुछ बातें हमने जो बातें की आपसे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की बातें थी, इन बातों का ख्याल रखना, बहुत बड़ी पीवीटी है। ये देखो कुछ डायग्राम पीछे, हाँ भाई देख लो ये कैसे कंबाइन कर रहा है, देखो ये DXY कैसे कंबाइन कर रहा है, ठीक है ठीक है, देख पा रहे हो एकदम आके एक दूसरे के ऊपर कैसे चढ़ जा रहे हैं। तो देखो ये, देखो ये दो DZ2, ये दो DZ2 कैसे सिग्मा बना रहे हैं भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अब देखो डी, ये हमारा DYZ है दो, अब इन्होंने YZ को पाई ओवरलैपिंग लानी है, कौन सी ओवरलैपिंग लानी है पाई, तो एक्सिस क्या लिया होगा, जेड एक्सिस लिया होगा। सेम एज अगर DXZ को ले लिया, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपको पाई चाहिए तो इनमें से कोई एक कॉमन हो उसको उठा लो, ठीक है। तो आपने चाहे एक्स को उठाया चाहे जेड को उठाया, तो इन्होंने जेड को उठा दिया। उस तरह इधर देखो, इधर देखो ये डेल्टा ओवरलैपिंग, देखो ये देखो कैसे डेल्टा हो रही है, ये ऊपर से चढ़ रही है एक दूसरे के, ऐसे चढ़ रही है, वाइट से वाइट मिला लो पबल्स बनना। तो देखो एक्स वाई है, अब आप मैंने आपसे क्या कहा था डेल्टा चाहिए, तो इनमें से जो नहीं है कौन सा है, जेड नहीं है। अभी एकदम सेम वही DX2Y2 के लिए किया, ये भी इनको ऐसे जोड़ना है, ए ऐसे ऐसे। अब X2Y2 इनमें से अगर आपको डेल्टा चाहिए तो कौन सा एक्सिस उठाएं, INA क्या हो हमारा, INA हमारा क्या हो, INA आपका जेड एक्सिस हो। तो ये कुछ ओवरलैपिंग का फॉर्म है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप हमारे साथ कुछ क्वेश्चन अटैम्प कर पाओगे। ऐसे मैं आपको बता दूं कि मैंने टॉप 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की है, और इस सीरीज को आपको देखने के लिए अन अकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लो। अन अकेडमी के ऐप में आप मुझे फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको मैं मिलूँगा। फिलहाल जो पहली क्लास है ये आज क्या है, 24 तारीख को आपकी पहली क्लास है, ओके रात के 9 बजे 24 तारीख को पहली क्लास है, जिसमें मैं टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और उस सीरीज में मैं सबसे पहले जो शुरू कर रहा हूँ वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जुड़िएगा जरूर, आपको अच्छा लगेगा, मेरी मानिए बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे हम आपके एकदम कंसेप्ट को बेसिक से लेके एक क्वेश्चन का लेवल, ग्राउंड से लेकर हाई लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे, सारे बेकार होंगे, सारे अच्छे होंगे, मिक्स्ड होंगे, सो दैट आपको दोनों की आदत लग जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ यार, एक हाथ क्वेश्चन आ जाओ ये, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ आपके पास फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया है, और आपसे बोल रहा है कि ओवरलैपिंग हमको चाहिए, तो बताओ ओवरलैपिंग करने के लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो देखो यार, आपको पास फ्लोरीन है, तो आपको पता है कि फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करता हूँ तो 1s2 2s2, और ये आ रही है 2p5। तो लास्ट वाला मेंबर अगर आप देखते हो तो 2p5 है, ये कुछ ऐसा 1 2 3 4 5। अब ऐसे दो फ्लोरीन होंगे, एक फ्लोरीन यहां पे होगा और दूसरा फ्लोरीन यहां पे होगा, ठीक है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी ओवरलैपिंग हो, तो बाबा लंदन ने या हिटलर ने या पॉलिंग ने, जो जो उन्होंने थ्योरी और इन्होंने दी है, तो ये सब क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यार इनको तभी कंबाइन कर पाओगे जब क्या होंगे आपके ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कुछ इस फॉर्म में होंगे, मतलब पेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। अब यार ये कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, तुम यूज कर रहे हो पी ऑर्बिटल, ये भी कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, पी ऑर्बिटल, है ना। तो इसका मतलब फ्लोरीन में कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है, पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो पहले भैया इस आंसर का हैप्पी बर्थडे करो, सर्वे इस आंसर का हैप्पी बर्थडे करो, ए इसका बचे कौन से आंसर, ये दो आंसर बचे, एक आपका बचा पीपी का साइड वाइज और पीपी का एंड टू एंड। तो कुछ सोचो यार, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है क्या, ये ऐसे आप कंबाइन करेगा क्या, सिग्मा और होती भाई, फ्लोरीन की बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है भाई, फ्लोरीन की बॉन्ड आपको पता है ना, ये कौन सी बॉन्ड है यार, सिग्मा बॉन्ड होती है। अब अगर फ्लोरीन की बॉन्ड आपकी सिग्मा बॉन्ड है, तो ओवरलैपिंग भी कौन सी होगी, सिग्मा ओवरलैपिंग होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी क्या, आंसर इज नहीं होगी। इसका मतलब क्या आंसर करेक्ट है, दैट इज एंड टू एंड। मैंने बताया था एंड टू एंड का मतलब होता है माथे से माथा भिड़ना, उसी को हम लोग एंड टू एंड बुलाते हैं, ठीक है।
समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, ये अभी हमने डिस्कस किया था, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए सबसे अच्छा ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हें मारना होगा, और जब तुम उसको मारोगे तो चाकू से मारोगे, और चाकू से मारोगे तो कॉपर उठाओगे, कॉपर का चाकू बनाया था। मतलब तुमको मैंने बताया था कि जो डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है वो डिफ्यूजन पे क्या करेगी भाई साहब, डोमिनेट करेगी। तो क्या कौन कौन से हैं, ये 2s 2s है, ये 2s 2p है, 2p 2p है, 3 3p है, तो अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी, 2p 2p की। तो सबसे पहले आएगा आपका 2p 2p, उसके बाद क्या आएगा 2s 2p, उसके बाद कौन सा आएगा आपका 2s 2s, और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा 3s 3s। अब टिक कर लो भैया ऑप्शन में, थर्ड थर्ड सबसे पहले किस में है, तो भाई साहब पहले इसको इसको हटा ही देते हैं, मैं एलिमिनेट करने पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो थर्ड एक इसमें है, किसमें, उसके बाद सेकंड खत्म, ये भी हटा दो, बचा आंसर ये, ठीक है। अरे बहुत टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है, तुम लोग का दिमाग अगर खुल जाए क्वेश्चन करने में तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब क्या है, क्या बोल रहा भाई, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा बॉन्डिंग करेगा। तो आओ देखें, क्या पहला वाला बॉन्डिंग करेगा, ये देखो ये लिया और ये लिया, फिर वही बात, मैं माथे से कमर भिड़ा दूं क्या, माथे से कमर भिड़ा दूं, ये कुछ ऐसा है, कुछ हो रहा है। तो आंसर इसका तो कोई दूर दूर तक नाता नहीं, हटा दो भैया, ओवरलैपिंग नहीं करेगा। हाँ हाँ इसके बारे में सोचा जा सकता है, कैसे हो सकता है भाई, ये एक ले लिया और एक ये ले लिया, आई एन ए इसने कुछ नहीं बोला है, तो ये उठा के चिपका दो, तो ये एस पी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो हाँ यार ये तो पॉसिबल है, चलो ठीक है अभी फिलहाल इसको हाँ मानते हैं, है ना। हाँ इसका क्या हालचाल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ये ऐसे लिया और ये ऐसे लिया, क्या कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्या कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्या ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर देखो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आंसर हो रहा है, यहाँ पे खेल है पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का। मैंने आपसे क्या कहा था कि दो तरह की वेव होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, एक बार देख लो यार, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव वेव बनानी है तो दोनों वेव्स एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए भाई। अगर ये तुम्हारा शाय ए है, ये तुम्हारा शाय बी है, तो ये जो वेव देख रहे हो ना यार, ये बनेगी शाय ए प्लस बी, कंस्ट्रक्टिव वेव। डिस्ट्रक्टिव वेव चाहिए, इसका यहां बना लेता हूं यार, कंस्ट्रक्टिव वेव कुछ ऐसी, दोनों को कंबाइन किया और इनको बड़ा कर दिया, ये हमारी सिग्मा ए प्लस बी है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब कैसी, डिस्ट्रक्टिव का मतलब कैसी, तो भाई साहब ये डिस्ट्रक्टिव है कि एक आपकी ऐसी जा रही है और दूसरी आपकी ऐसी जा रही है, मतलब एक आपकी शाय ए ऐसी है और ये आपकी शाय बी है। तो देख सकते हो एक इस एक्सिस में है, एक ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट मे बी जीरो आ जाए, मे बी कुछ ना आए, तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बुलाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बुलाते हैं। इसको तुम और कुछ अच्छी तरह समझ सकते हो, आओ एक जोक की तरह समझाते हैं, ये मैं हूं खूबसूरत सा, ए या ठीक है, और ये मेरी ब्यूटी है, टिंग टिंग, ठीक है। हम आपस में एक दूसरे से रस्सी रस्सी खेल लें, मैंने इन मैडम को रस्सी पकड़ा दी, मैंने कहा एक रोप ले लो पकड़ लो। अब मैंने कहा कि अगर जैसा मैं चल रहा हूं, जैसा मैं रोप घुमा रहा हूं, अगर मैं रोप को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो तुम भी रोप को क्लॉकवाइज घुमाओ। तो अगर हम दोनों ने सेम रोप को ऐसे ऐसे घुमाया तो उस वेव को हमने नाम दिया कंस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है वो बात तो मानेगी नहीं एज नेचुरल, ठीक है। तो मैं अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं और मेरी ब्यूटी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो जो वेव आने वाली है वो क्या आने वाली है, डिस्ट्रक्टिव आने वाली है। तो अगर मेरे अगेंस्ट एक वेव ऐसी जा रही है और दूसरी वेव ऐसी जा रही है, तो वो वेव क्या है, डिस्ट्रक्टिव, और दोनों अगर वेव सेम है तो वो हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे तो पॉसिबल इसलिए नहीं है, ये पाई ओवरलैपिंग हो सकती थी, लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यही सेम फंडा यहाँ पे भी है, ये भी पी पाई डी पाई पाई ओवरलैपिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ देखो नेगेटिव और यहाँ देखो पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ओवरलैपिंग के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ क्या कह रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज भाई साहब इनकरेक्ट,
पहले इस पे अंडरलाइन मारो, फिर बात करेंगे। एज्यूमिंग करने को कह रहा है कि जेड एक्सिस इज आवर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद सोचना जरूर, मैं तो बता दे रहा हूं आपको, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर दोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, बट फिर ठीक है। इनकरेक्ट ओवरलैपिंग बोल रहा है अगर आपका आई एन ए जेड एक्सिस है। तो ये पूरी पूरी बातें करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पी वाई पी वाई, तो ये तुम्हारा पी वाई पी वाई है, ए ये ले लेते हैं पी वाई और ये ले लेते हैं पी वाई, ठीक है? ओके, तो ये मेरा वाई है और ये मेरा वाई है, थोड़ी देर के लिए ये मेरा जेड न्यूक्लियर है। तो इनको जब पास पास बुलाओगे तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? तो आंसर है सर पाई ओवरलैपिंग होगी। तो देखो ये तो फिलहाल तो सही लग रहा है यार, ये सही, ठीक है? ओके ओके, दूसरा आ रहा है आपका बी ऑप्शन में कि भाई ये आपका पी एक्स है, मान लेते हैं ये आपका पी एक्स है और ये आपका पी एक्स है। अब आप चाहते हो कौन सी ओवरलैपिंग चाहते हो? सिग्मा ओवरलैपिंग चाहते हो। तो अभी देखा था हमने, अगर एक्स है पी एक्स है और तुम्हें सिग्मा चाहिए तो एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ भाई साहब ने क्या दे रखा है? आई एन ए जेड एक्सिस दे रखा है, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता है ना। आओ इधर आओ, डी एक्स वाई है और डी एक्स वाई है, ये तुम्हारा डी एक्स वाई, ये तुम्हारा डी एक्स वाई ले लेते हैं। और क्या चाहता है, क्या चाहता है तुम्हारा? पाई ओवरलैपिंग चाहता है। तो अगर पाई ओवरलैपिंग चाहता है मतलब कुछ ऐसा चाहता है, मतलब डी एक्स वाई और डी एक्स वाई में से कोई भी एक हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, चल जाएगा ना भाई। मैंने बताया था पीछे, अगर पाई चाहिए तो आप क्या करोगे, जो इनमें नहीं, एक कोई भी एक उठा लो इनमें से, चाहे एक्स चाहे वाई। लेकिन ये भाई साहब क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे भाई साहब? आपका आई एन ए जेड दे रहे हैं, मतलब ये भी आपका रॉन्ग है ना। तो कहो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बी और सी, बी और सी, बी और सी, तो देखो ए होगा नहीं, ठीक है? एफ सी सी, चलो चलो सी भी नहीं हो रहा है, हटाओ, बी भी नहीं हो रहा है ना, बी और ई, ठीक है? ये यहां पे बी तो गलत है, लेकिन ई देखो इधर, इधर देखो ई, ये सही है क्या? ई सही है क्या? देखो डेल्टा बॉन्डिंग, इधर देखो ये एक्स वाई। अगर मैंने आपको क्या कहा था, अगर तुम्हें जेड एक्सिस लोगे तो आपको क्या बन जाएगा? डेल्टा बॉन्डिंग, मतलब ये कुछ ये पास पास बुलाया हमने इनको और ये एड्रेस बनाया। तो फाइनली मतलब ये आपका इनका सही है, ई आपका सही है, ए आपका सही है। तो रॉन्ग कौन कौन से हैं? बी है, सी है और डी रॉन्ग है। तो ये उठा के आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है? इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट नहीं पूछा था भाई, देख लेना, ठीक है? चलो अगला आता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है यार ये, थोड़ा बोल रहा है कि इफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल फॉर्म एटम ए। अच्छा कोई एटम ए है, वो क्या बना रहा है? डी एक्स वाई बना रहा है, चलो एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड लिखा है, एक्स जेड बना रहा है, ठीक है? और दूसरा दे रखा है कि एक एटम बी है जो कि पी एक्स का है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, पहले तो मान लेते हैं ये मेरा पी एक्स एक्सिस है, ये मेरा पी एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये ले लेना जेड है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है? और ये पाई बना रहे हैं, फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है, अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस, बताया नहीं है कौन सा एक्सिस है। तो ये दोनों मिलके मिल रहे ऐसे ऐसे और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें फोटो नहीं नजर आ रहा होगा, यहाँ आएगा नज़र, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो पूछ रहा है कि कौन सा एक्सिस हो, तो ये नहीं पता हमको, पहली बुद्धि ये लगानी है। फिर आगे बोल रहा है देन विच बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड अलोंग द सेम मॉलिकुलर एक्सिस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डी एक्स वाई एंड डी एक्स वाई। अब सोचो कि कौन सा ऐसा होगा जो कि इससे पाई कंबाइन कर जाए। ये इनको मुझे चिपकाना है, इनको मुझे ऐसे मिलाना है। तो देखो ये लाइन यहाँ से जा रही है क्रॉस होते हुए, तो कौन सा एक्सिस होना चाहिए? जेड एक्सिस होना चाहिए भाई। जेड एक्सिस इनको पास बुला लेगा ना यार, ये जेड एक्सिस इनको पास बुला लेगा, यूं बुलाएगा ना पास। तो ये कौन सा एक्सिस हो पा रहा है? जेड एक्सिस हो पा रहा है, मतलब इसका आई एन ए क्या हुआ? आई एन ए क्या हुआ? आई एन ए हमारा जेड एक्सिस हुआ। अब हमने एक्सिस पता कर लिया,
अब आगे बोल रहा है कि इसी एक्सिस के अलॉन्ग जब डी एक्स वाई डी एक्स वाई कंबाइन कर रहे हैं तब कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, तो खत्म हो गया। ये ऐसे ले लिया और ये ऐसे ले लिया, ऊपर ऊपर रख लो, ये मान लेना ऐसे, और ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका कौन सा है जेड एक्सिस, आई या नहीं है, इस बार ये वाई है, तो बताओ कौन सी ओवरलैपिंग आएगी, खुद सोचो। मैंने क्या कहा था, अगर दो ऐसे एक्स वाई कंबाइन कर रहे हैं और इनमें से कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है कौन है, जेड है, तो कौन सी ओवरलैपिंग बनेगी, मतलब डेल्टा ओवरलैपिंग बनेगी, तो आंसर इज सी। ठीक है, आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होगे, मेरे क्वेश्चंस के लेवल को समझ पा रहे होगे, क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरी सीरीज को ज्वाइन करिए, टॉप 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच माय डियर। हमने आज बहुत कुछ सीखा, वीबीटी के बारे में बहुत कुछ बातें की। नेक्स्ट टर्न जो हमारी कहानी होगी वो पार्ट टू केमिकल बॉन्डिंग की होगी, जिसमें मैं आपको शिद्दत से हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसमें भी, जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, अगेन आप मेरे कोड को यूज़ कर सकते हो, मेरा कोड है DHIREN, धीरेन। ठीक है, आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हो 12 मंथ का, तो ओनली एंड ओनली 27,000 पे करो, और अगर 24 मंथ का चाहते हो तो ओनली ओनली एक्स्ट्रा आप इसमें 5,000 आप और जोड़ दो, तो जो भी होगा वो आपका अमाउंट आपका किसके लिए होगा, 5 मंथ के लिए होगा, सॉरी 24 मंथ के लिए होगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिकल बहुत है, आप हमसे जुड़ सकते हो। इंडिया के बड़े बड़े फैकल्टीज़ यहाँ पे अब आ चुके हैं पढ़ाने, अब कोई फैकल्टी अपने नहीं पढ़ा रहा, आपको पता है। आप बड़े बड़े फैकल्टी से कनेक्ट हो सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, सो दैट आप हमारे नोटिफिकेशंस को पाते रहो। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय।